आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सिलरी वर्ब होता क्या, थोड़ा सा समझते हैं, फिर जब हम एक्सरसाइज 16 और 18 वगैरह बनाएंगे ना तो उसको और अच्छे से डीप से बताएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 16 बनाने के लिए कुछ जानना जरूरी है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब दो तरह का होता है, जिसमें से एक आपका है प्राइमरी और एक होता है मोडल। एक प्राइमरी, एक मोडल। प्राइमरी में कुछ नहीं है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के पहले टू लग जाएगा या किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाएगा, टू हो जाएगा प्राइमरी वर्ब। क्या हो जाएगा? प्राइमरी। टू हैव, टू बी, टू डू, जो कोई भी शब्द के पहले कोई भी वर्ड के पहले टू लग गया हो जाएगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मोडल में क्या होता है? किसी के पहले टू नहीं लगा हुआ। कैन है, मे है, माइट है, सेल है, विल है। तो देखिएगा, अब किसी के पहले टू लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कौन सा वर्ब है? तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या समझना है? एक और है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब, इसमें क्या होता है? कोई भी वर्ब है तो वो अपने स्वतंत्र अर्थ में होता है। कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में समझना, लिखा है मान लीजिए आई, इट, ए, ब्रेड, आई, इट, ए, ब्रेड। मेन वर्ब कौन है इसमें? इट है। सेकेंड नंबर समझते हैं, ही विल कम सून। मेन वर्ब कौन है? कम। तो जो मेन वर्ब है भैया, उसी को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। जो मेन वर्ब है उसी को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। और कुछ नहीं समझना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है राम रन्स, मेन वर्ब राम, लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। एक और समझते हैं एक्सिलरी वर्ब क्या है। ये तो हो गया हम लोग का लेक्सिकल में। एक है एक्सिलरी वर्ब, इसमें क्या समझना है? मान लीजिए लिखा हुआ आई एम गोइंग टू पटना, मेन वर्ब कौन है? तो गोइंग। मेन वर्ब के अलावा भी हेल्पिंग वर्ब है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? लेक्सिकल वर्ब में जो मेन वर्ब है उसी को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, और जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसमें मेन वर्ब को नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। हम लोग एक्सरसाइज 16 बनाते हैं। 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 नंबर है, यूज द फॉलोइंग एज मेन वर्ब। ये सबको मेन वर्ब के रूप में यूज करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बी लिख सकते हैं, आई शैल बी अ नर्स। मतलब कि एक सेंटेंस बनाना है जिसमें बी लिखा है, इसको मेन वर्ब के नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं बल्कि मेन वर्ब के लिए यूज करना है। जैसे है तो हेल्पिंग वर्ब सब, लेकिन इसको किस रूप में यूज करना है? तो मेन वर्ब के रूप में यूज करना है। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? वाच। तो मेन वर्ब के रूप में यूज करना है, इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं? एक ही वो सिंपल तरीका है, ऐसा सेंटेंस लिखिए कि वाच के अलावा और कोई मेन वर्ब नहीं है। जैसे लिख देते हैं आई वाच। अब हम लिखते हैं यहाँ गोइंग, तो गोइंग मेन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब दूसरा आ गया, मेन वर्ब भी कहाँ रहा? इसीलिए ऐसा सेंटेंस बनाना है आपको सर कि उसमें मेन वर्ब नहीं आए। जैसे आई वाज गोइंग देयर नहीं लिख सकते हैं, आई वाज ईटिंग लिख देंगे तो इट तो मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब कहाँ रहेगा? तो वैसा सेंटेंस लिखिए जो अब इसके अलावा कोई वर्ब भी ना है। लिख देते हैं आई वाज प्रेजेंट देयर, आई वाज प्रेजेंट देयर। प्रेजेंट मेन वर्ब है तो बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए डू लिखा हुआ है,
डू को इस तरह से यूज करना है कि इसके अलावा कोई और वर्ब ही नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आई डू नॉट राइट, डू के अलावा और कोई मेन वर्ब है नहीं है, लिखते आई डू नॉट इट, इट क्या आ जाता है मेन वर्ब। अगर हम लिखते हैं आई डू नॉट रन तो रन आ जाता है मेन वर्ब, तो इसका मेन वर्ब का वजूद खत्म हो जाता है। इसीलिए ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें इनके अलावा कोई और वर्ब नहीं है। उसी तरह है डज लिखा हुआ है, डज को कैसे लिख सकते हैं, सी डज नॉट। अब ऐसा सेंटेंस लिखेंगे, ऐसा वर्ड लिखेंगे जो मेन वर्ब नहीं हो। अगर हम इट लिख दे सी डज नॉट इट, इट तो मेन वर्ब हो जाएगा, इसीलिए वैसा वर्ड लिखिए जो मेन वर्ब नहीं हो। लिखते हैं सी डज नॉट राइट लिखे हैं या रॉन्ग लिख दीजिए, समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, डिड। डिड को इस तरह से यूज करना है कि इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं है। तो डिड के लिए क्या लिखेगा, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है यू डिड नॉट, अगर हम कम लिख देंगे तो कम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। हमको बोलता है मेन वर्ब के रूप में इस सब को यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, यू डू नॉट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, कुछ भी सोच के लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें यू डू नॉट कम गो, तो सब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। हमको तो मेन वर्ब चाहिए ना, हेल्प वर्ब के रूप में सोचिए क्या हो सकता है। डू डैट लिख सकते हैं क्या, यू डिड नॉट डू डैट भी लिख सकते हैं, यू डिड नॉट डू डैट। ठीक है आगे देखते हैं, हैव लिखा हुआ है, हैव को भी किस रूप में यूज करना है, मेन वर्ब के रूप में। क्या लिख सकते हैं, आई हैव ए जीप, हैव के अलावा कोई मेन वर्ब आया तो नहीं आया। इसी तरह हैज क्या हो सकता है, यू सॉरी यू तो होगा नहीं, तो सिंगुलर में लगेगा, सी हैज सॉरी सी हैज ए फ्रॉक, सी के साथ हैज लगेगी, हैज लिखा हुआ है, सी हैज ए फ्रॉक। तो हैज के अलावा और कोई मेन वर्ब नहीं आया तो यही क्या है, मेन वर्ब है। नीड, नीड डेयर क्या होता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। नीड डेयर क्या होता है, इसके लिए अलग पहले एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आप दे देंगे। मार्जिनल वर्ब बोलते हैं इसको, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफिनेशन इसका दे देते हैं। नीड डेयर क्या होता है, यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब आएगा ना, तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन यदि किसी वाक्य में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब आए और उसके पहले टू लगा हो, तो नीड और डेयर वहाँ मेन वर्ब ना रख के क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा, फिर से डिफिनेशन देते हैं। बता ही चुके हैं मार्जिनल वर्ब किसको बोलते हैं, तो नीड और डेयर, मतलब कि यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब नहीं आएगा, तो नीड और डेयर मेन वर्ब होगा। ठीक, लेकिन हमको तो मेन वर्ब यही करना है, तो इसके अलावा और कोई मेन वर्ब नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो नीड को क्या लिख सकते हैं, सी सॉरी ही नीड्स ए सर्वेंट, इसके अलावा दूसरा कोई मेन वर्ब आया है नीड्स के अलावा, तो बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। डेयर लिख दीजिए, सी डेयर्स, ऐसा सेंटेंस लिखिए कि डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब नहीं आया था। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी डेयर्स टू। नीड डेयर के डिफिनेशन में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा गलती बता दिए हम, कि जैसे नीड और डेयर, इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कि यदि किसी वाक्य में नीड या डेयर के अलावा और कोई दूसरा वर्ब नहीं आएगा ना, मतलब यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा, नीड या डेयर के अलावा कोई और मेन वर्ब नहीं आएगा, तो इस असरा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा था, यही मेन वर्ब। लेकिन नीड और डेयर में उल्टा कहानी है, नीड और डेयर यूज में उल्टा कहानी है, कि यदि किसी सेंटेंस में नीड या डेयर के अलावा दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं आएगा, तो यही मेन वर्ब हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। बुझा रहा है, और हमको यूज किसका करना है, मेन वर्ब का ही यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, सी डेयर्स, अब इसके साथ हमको वैसा वर्ड यूज करना है कि इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं है। इसके साथ क्या लिख सकते हैं, सी डेयर्स टू गो देयर, गो देयर। तो मेन वर्ब के पहले क्या लग गया,
टू लग गया। आप बोलेगा सर कहीं मेन रोड नहीं लगा इंग्लिश, यहाँ तो मेन रोड लग गया, तो मेन रोड के पहले क्या लगा हुआ है? टू, तो यहाँ पे ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मतलब मेन वर्ब की तरह का यूज हो रहा है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूज लिखा हुआ है, तो उसी तरह यूज का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? मान लीजिए लिखा हुआ है ही यूज इट केयरफुल्ली। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा आप लोग। यहाँ से थोड़ा समझने में दिक्कत होगा तो फिर से समझ लेते हैं। नीड और डेयर का एक वीडियो का लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नीड डेयर होता क्या, इसको मार्जिनल वर्ब बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। यदि किसी वाक्य में नीड या डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब ना हो तो नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह काम करेगा। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर का दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं आएगा तो मेन वर्ब नहीं है, तो नीड और डेयर मेन वर्ब होगी। यहाँ भी नीड और डेयर क्या है? मेन वर्ब है। यूज भी क्या है? मेन वर्ब। इसके अलावा कोई मेन वर्ब आया तो बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। चलिए हम लोग बी नंबर देखते हैं। यूज द फॉलोइंग एज हेल्पिंग वर्ब। अब इस सबको किस चीज़ में यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। इसका बनाने का एक बिल्कुल आसान तरीका बता दे, तो इसका यूज करते के साथ साथ एक और वर्ब यूज कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ इज, तो मान लीजिए इज है, यहाँ लिख दीजिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोले? इसके रहते के अलावा कोई और मेन वर्ब ले आइए, ले आए मेन वर्ब प्लेइंग, ये अपने हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसमें कुछ ही लगा ले, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में जब बोले कि इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कीजिए तो एक और मेन वर्ब का यूज कर देना है। जैसे एम है, क्या लिख सकते हैं? आई एम गोइंग। इसके अलावा कोई और मेन वर्ब आ गया तो ये अपने हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बी लगा हुआ, इसको बताइए कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, सेल बी या विल बी, तो आई सेल बी। ये डॉक्टर लिख दे, डॉक्टर मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब हो जाएगा, तुमको इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है। इसके अलावा क्या लिखना पड़ेगा? कोई एक मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। आई सेल बी बीटन लिख दीजिए, मैं मार खा चुकूंगा, ठीक है। हैव रहेगा तब हो गएगा। बीन लगा हुआ, इसका भी सेम टू सेम उसी तरह, जैसे वॉइस में सीखे थे हम लोग, मान लीजिए लिखा हुआ है ही हैज बीन गोन, ही हैज बीन गोन। इसके अलावा कोई और मेन वर्ब आ गया थी, अपने हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। डिड, तो सी डिड नॉट कम। तो डिड के अलावा कोई और मेन वर्ब आ गया तो अपने हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज। राम हैज ईटन, इसके अलावा कोई मेन वर्ब तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। नीड, अब फिर नीड और डेयर आ गया, तो इसको ध्यान समझिए। इस बार नीड और डेयर के अलावा हमको क्या लाना है? मेन वर्ब लाना है। नीड और डेयर को क्या बनाना है? हेल्पिंग वर्ब बनाना है। तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब कब बनता है? तो ध्यान से सुनिए लाइन को। यदि किसी वाक्य में नीड और डेयर, ध्यान दीजिएगा, हेलो, यदि किसी वाक्य में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब हो और उस अन्य कोई मेन वर्ब के पहले टू लगा हो तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह। ध्यान से सुनिए, यदि किसी सेंटेंस में नीड या डेयर के अलावा दूसरा मेन वर्ब आए लेकिन उसके पहले क्या लगा हो? टू। मेन वर्ब के पहले क्या लगा हो? टू, तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, लिख देते हैं सी डज नॉट नीड टू गो देयर। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब हो और उस अन्य कोई मेन वर्ब के पहले टू लगा हो तो नीड हो या डेयर हो तो दोनों किस रूप में हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अतः हमको हेल्पिंग वर्ब में लाने हैं तो ले आए हम। डेयर भी उसी तरह, क्या लिख सकते हैं? आई डेयर नॉट टू कम हियर। नीड डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब, उसके पहले टू, ई भी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यूज टू का सेम है कहानी, ठीक है, देख लेते हैं यूज टू क्या। ही यूज्ड टू वॉक।
आज एक्सरसाइज 16 खत्म हो गया है, कल हम लोग एक्सरसाइज 15 बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा सर, कमेंट जरूर कीजिएगा।